नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भिवानी बोर्ड में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में कंपार्टमेंट के और एडिशनल सब्जेक्ट के अभी एग्ज़ाम हुए थे। 19 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुए थे, जिनका रिजल्ट अभी 29 तारीख के आसपास सबका आ चुका है। तो उसमें जिसकी कंपार्टमेंट पहले थी और कंपार्टमेंट अब भी बनी हुई है, तो उनके फॉर्म अभी निकले हुए हैं। वो 3 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 3 से 22 फरवरी तक आप बिना लेट फीस के साथ अपना फार्म भरवा सकते हैं। कंपार्टमेंट वाले जिनकी एक पेपर में कंपार्टमेंट है, वो अपना फार्म भरवा ले भरे जा रहे हैं। 3 से 22 फरवरी तक बिना लेट फीस के साथ वो फार्म भरे जा रहे हैं। 23 से 1 मार्च तक ये फार्म 100 रुपये लेट फीस के साथ होंगे, और 2 से 8 मार्च तक 300 रुपये लेट फीस के साथ और 1000 रुपये लेट फीस के साथ दोस्तों 9 मार्च से 15 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सफल ऑनलाइन आवेदन से अभिप्राय है, आवेदन के साथ साथ परीक्षा शुल्क का बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक खाते में ऑनलाइन शुल्क समायोजन होना, यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी जो फीस है दोस्तों ऑनलाइन जो आप भरेंगे वो सक्सेस होनी चाहिए। अगर वो सक्सेस श्योर नहीं कर रही है तो अपडेट जरूर करवा ले। फीस अपडेट हुए बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। सुनिश्चित करें कि अंतिम तिथि उपरांत कोई अतिरिक्त समय देर नहीं होगा, इसमें लास्ट डेट एक्सटेंड का टाइम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मार्च तक ऑलरेडी एप्लीकेशन मांगी गई है और अप्रैल तक ये एग्ज़ाम होने, अप्रैल मई तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। आवेदन के समय किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दे दिए, फिर कंपार्टमेंट आई हुई है एक सब्जेक्ट में, उनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो अपना फॉर्म टाइम से भरवा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और मेरे YouTube चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। जो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को जरूर, जिन साथियों को उसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।